थोड़ा लेट हो गए दोपहर का लंच है वो वहीं करेंगे। नासिर भाई आ चुके हैं गली के कॉर्नर पे, फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं जी रेस्टोरेंट पे। सर थोड़ी से आगे करें सर, कोई मुझे फंसा दिया सर। मिल्क शेक आ चुका है, सबसे पहले यहाँ पे शवारमा आ गया और हुम्मस आ गया, या शवाया शवाया है ना ये हम सब की मोस्ट फेवरेट डिश जो है कुनाफा। चीज़ और क्रीम भी जो है ना वो फुली लोडेड है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब, खैरियत से? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। भाई सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को आपके भाई की जानिब से बहुत बहुत जुमा मुबारक। दुआ करते हैं अल्लाह पाक आज के दिन के सदके से हम सबको मदीना दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। भाई आज के दिन का ब्लॉग का आगाज़ करते हैं इस वाले दुआ के साथ। भाई अभी आपका भाई नहातों के तैयार होकर जुमे के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अभी सिर्फ देर इस बात की है कि नीचे भागना और जल्दी से मस्जिद तरफ जाना है। तो ब्लॉग का आगाज़ कर लें फिर करते हैं बातें। सो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो भाई आज जो है वो हम 10 मिनट तकरीबन लेट हो चुके हैं, 1:10 हो चुके हैं। अभी चलते हैं जी, मिलते हैं फिर आपसे जल्दी जल्दी मस्जिद जाके। तो भाई हम मस्जिद पहुंच चुके हैं, आइए चलते हैं। अस्सलाम, लेट हो गए, अलामा साहब का बयान स्टार्ट हो चुका है। चलो जल्दी इत्तिबा कर लेंगे और इत्तिबा करने के बाद पहला चक्र शुरू होगा। पहले 3 चक्रों के अंदर रमल करेंगे। रमल कहते हैं कि थोड़ा सा तो भाई फाइनली अभी जुमा पढ़ के आ चुके हैं जी, और यहाँ पे फिरदान भाई भी आ गए हैं, अधियान भाई भी, ये बाइक पे गए हुए थे। तो अभी चलते हैं अंदर और अभी एक जगह जाना है, वो कहाँ जाना है वो आपको बताता हूँ। वेट करें वेट करें, इतनी क्या जल्दी है। तो भाई आप सोच रहे होंगे भाई कुछ बताना था कि हमने कहीं जाना है वो भी नहीं बताया, और आज किचन में भी नहीं लेके गए कि खाने में क्या बन रहा है। भाई मौसम बहुत आउट क्लास हो रहा है, ये देखें, हाँ हाँ हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो भाई हम जा रहे हैं जी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं आमिर भाई, आलम अल अरब रेस्टोरेंट के ऑनर। तो काफ़ी टाइम से वो कह रहे थे कि आप आए नहीं आए नहीं आए नहीं, तो अच्छा नहीं लगता बार बार जाना, लेकिन उन्होंने इतना इंसिस्ट किया इतना इंसिस्ट किया। तो फाइनली आज जुमे के दिन हम दोपहर का लंच जो है वो वहीं करेंगे, नुमान भाई मैं और साथ हमारा प्यारा सा बेली और बेस्ट फ्रेंड और दोस्त जिगरी दोस्त नासिर भाई दी ग्रेट, वो भी आने वाले हैं कुछ ही देर में। तो फिर निकलते हैं ये नुमान भाई खड़े में, और वहाँ से अभी हमारे प्यारे से नासिर भाई जो हैं वो यूं करके आएंगे, यूं करके गाड़ी में उनके साथ बैठेंगे और निकलेंगे, और लंच जो है वो वहाँ पे है इंशाल्लाह। तो भाई नासिर भाई आ चुके हैं गली के कॉर्नर पे, और मैंने कहा कि भाई अंदर क्या आएंगे, चलो वहीं रुक जाओ, हम वहीं आ जाते हैं। अभी चलते हैं बैठते हैं गाड़ी में और फिर निकलते हैं। तो भाई नासिर ब्रो आ चुके हैं भाई। ओ यार जब भी इनसे मिलवाना चाहो तो ये फोन पे ही बात कर रहे होते हैं। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं जी रेस्टोरेंट पे, चलते हैं जी अभी अंदर, लॉक हो गई है। चलो भाई नासिर भाई नुमान भाई और पीछे पीछे हम। अस्सलाम वालेकुम, भाई यहाँ ठीक है, ये सेपरेशन है, यहाँ पे बैठते हैं। किधर बैठना है? इधर ही बैठना है, क्या क्या? अच्छा मैं उधर चला जाता हूँ फिर। नासिर भाई यहाँ बैठ गए, हम इधर आ जाते हैं। सर थोड़े से आगे करें सर, कोई मुझे फंसा दिया सर। सर तो भाई इस रेस्टोरेंट का रिव्यू तो मैंने आपको सारा दिया हुआ है, उनके किचन के बारे में भी आपको दिखाया हुआ है, इनके फूड जो हमने पहले खाए थे वो भी आपको सारे दिखाए हुए हैं। तो आज सिर्फ लंच करने के लिए आए हैं, तो अभी जब लंच आएगा वो आपको दिखाएंगे और फिर लंच करेंगे, और बस आज इतना ही। अभी यहाँ पर मिल्क शेक आ चुका है। सर ठंडा चिल, जितनी गर्मी हो रही है ना मिल्क शेक का अपना ही मज़ा है। अभी मिल्क शेक पीते हैं सबसे पहले। भाई अभी सबसे पहले यहाँ पे शवारमा आ गया और हुम्मस आ गया। सर मज़ा आ रहा है? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा, क्या बात है। यहाँ पे आ गई है भाई ये मंदी, या शवाया शवाया है ना, शवाया उसके साथ सॉसेज है। तो भाई हम सब की मोस्ट फेवरेट डिश जो है कुनाफा वो आ चुकी है। सर आप भी एक्साइटेड थे सिर्फ कुनाफा खाने के लिए, है ना, और नुमान भाई भी। हाँ हाँ, असल में जो पूरे खाने के दौरान इंतज़ार था ना वो असल में इसी चीज़ का था। तो आइए अभी हम शीरा इस पे डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह भाई वाह, क्या बात है, सारी जगह फैला दिया मैंने ताकि हर हर बाइट में शीरा आए। वाह भाई, लें सर प्लेट लें। बिस्मिल्लाह,
नाइस। अभी बारी है जी हमारी फर्स्ट बाइट लेने की। हाँ, चीज़ और क्रीम भी जो है ना वो फुली लोडेड है। बिस्मिल्लाह। वाह सर, मज़ा आया बहुत बहुत। यहाँ तो एंड है तुझे नुमान साहब। हम ना ये खा तो रहे हैं, इसके बाद ना तलब होगी आइसक्रीम की। वो सर जी आइसक्रीम का कह रहे हैं, लेकिन वैसे इसके बाद गुंजाइश नहीं रहती भाई। मैंने अभी बलंसिया जाना ना वापस। अच्छा, यानी अभी एक दो काम करने हैं हमने, तो उसके बाद फिर हो सकता है जो है हमें ज़रूरत पड़ जाए आइसक्रीम की। चलो देखते हैं अभी। वाह चलो भाई। तो भाई खाना शाना खा के अभी हम फ्री हो चुके हैं और अभी हम रेस्टोरेंट से बाहर आ चुके हैं। अभी बैठते हैं गाड़ी में, एक काम है हमें, तो वहाँ चलते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। चलो भाई। तो अभी हम आए हैं जी यहाँ साइड पे और ये सर का घर बन रहा है। ये देखें, ये सर ने अभी रिसेंटली परचेज़ की थी जगह और ये घर तैयार करवा रहे हैं सर। और यहाँ पे मुझे अभी एक चीज़ नज़र आई है और अभी मैं सर को बता रहा था तो मुझे हंसी निकल गई। ये देखें मैंने कहा सर कुनाफा लग रहा है ना, कुनाफा। तवा तवा तवा। अभी देखते हैं यहाँ कितना टाइम लगता है, फिर निकलते हैं घर की तरफ। यहाँ पे दो बंदों की लड़ाई हो गई है, नासिर साहब की और नुमान साहब की। वो कह रहे कि मैंने जाना नहीं आपकी गाड़ी में, वो पैदल जा रहे हैं। हम गाड़ी में जाएंगे, नुमान साहब की लड़ाई हो गई, वो कह रहे मैंने गाड़ी में जाना ही नहीं है। तो अभी देखते हैं उनको मनाते हैं। नासिर साहब क्या कर दिया आपने, मनाएं यार उनको। वो देखें वो पैदल ही जाना शुरू हो गए, वो देखें कहाँ निकल गए। अल्लाह अकबर नासिर भाई, पेट हल्का कर रहे हैं। अच्छा, जो खाना खाया वो हजम कर रहे हैं। अच्छा, नाराजगी बहाना था, हाजमा कर लो थोड़ा सा। इतनी तो हमारी गाड़ी की स्पीड नहीं है जितनी नाराजगी के बाद नुमान साहब की स्पीड हो चुकी है नासिर भाई से नाराजगी के बाद। वो देखें अभी गाड़ी हमारी यहाँ पे ही है, रो कहाँ पहुंच गया। यार सर जी गाड़ी भी 40 की स्पीड में चल। असल में नुमान साहब को काम है जी एक जगह पे, तो वो कह रहे हैं मुझे वहाँ लेके चले। सर कह रहे नहीं वहाँ नहीं जाना, आप घर जाना है सीधे, तो इसलिए नाराजगी हो गई इन दोनों के बीच। हाँ जी भाई लिफ्ट चाहिए। रिक्शे में आओगे सर, रिक्शे में आएंगे। वो कह रहे हैं मैं रिक्शा पीछे आ रहा हूँ, रिक्शा करा लेता हूँ। रिक्शा नहीं आ रहा। आ रहा है सर रिक्शा, झूठ बोल रहा है। कह रहे मेरी सभी सर जी मना ले उतर के जल्दी से जाएं जाएं। ये रिक्शा चला गया। अच्छा ये चला गया, पीछे भी हार। नाराज हो गए सर। जाएं 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 जाएं। पार्किंग में लगा दी है नीटल में। बोले तेरी भी नहीं सुनी हो भी उधर। वो पीछे से रिक्शा, वो भी इधर को हो गया। नाराजगी बड़ी गमगी चल रही। तो बात हो ऊपर मंगवा लिए, ऊपर मंगवा लिए। आपका नाराज हो गया सर, मना लें। ओके, यार सर कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ, बस वो गाड़ी मंगवाई है, इतनी जल्दी ऊपर भी आ गई। वाह नहीं यार इस तरह नहीं, मैं बैठ पहले मेरे से बात करेंगे, टाउनशिप जाएंगे नहीं। नहीं टाउनशिप बस। फाइनली दोस्ती हो गई है, दोस्ती करवा ली है, वरना ये तो ऊपर मंगवा रहे थे। मजाक हो रहा था, अभी मजाक हो रहा था, सीरियस नहीं हो रहा था कुछ, आप समझ रहे हो सीरियस हो रहा है। भाई हमारी डील हो गई है भाई, नासिर भाई ने आइसक्रीम खिलानी थी तो वो अभी नहीं, वो होगी रात को खाएंगे हम जाके। 30-30 वाली कुल्फियां खिलानी। ओ 30-30 वाली नहीं खानी, वो इमोस की कौन खानी है। 30-30 वाली, 30-30 रिक्शा भी मिल गया, यही रोक दे अब इनको। ओके अल्लाह हाफिज़। चलो भाई चले भाई, घर आ गए हैं भाई हम। चलो मुलाकात करते हैं फिर रात को इंशाल्लाह। हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, ठीक है आप सब? चुटकी नहीं भेजी, दोबारा करते हैं, दोबारा। हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, ठीक है आप सब? खैर खैरियत से भाई मिल रहे हैं जी हम आपसे रात को तकरीबन 12 बजे। आप सोच रहे होंगे भाई इतनी लेट क्यों मिल रहे हैं, क्या हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने? नो भाई, हमारा वो प्रोग्राम कैंसिल हो चुका था। हुआ ये था कि जब मैं दोपहर को नासिर भाई के साथ आया, उसके बाद मैं कुछ देर के लिए रेस्ट करने लग गया था, फिर मुझे बाबा ने कहा कि बेटा आज ही जाके ग्रोसरी ले आओ मंथली, तो आगे रश भी हो जाएगा, पहले आ जाएगी तो फिर जो है ना, और वैसे भी जो है ना कुछ चीज़ें खत्म हो गई थी घर में, तो मैंने सोचा चलो आज ही ले आते हैं। तो फिर मैं रात को ग्रोसरी लेने चला गया था। आज मैंने ग्रोसरी वाला व्लॉग भी नहीं बनाया, मैंने
क्या यार काफ़ी दफ़ा बना लिया, चलो आज वैसे व्लॉग की ड्यूरेशन जो है ना वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी। तो फिर हमारा प्रोग्राम, क्योंकि नासिर जो है वो भी बिजी थे, वो भी कहीं गए हुए थे, वो भी फंसे हुए थे, तो मैं भी तकरीबन 10:30-11 बजे घर पहुँचा हूँ और नासिर भी तकरीबन मेरे बाद ही पहुँचे हैं, वो तो तकरीबन 11:30 बजे के करीब पहुँचे हैं। तो फिर हमने सोचा कि आज का प्रोग्राम जो है वो आइसक्रीम वाला कैंसिल कर देते हैं, शायद कल जाएंगे तो फिर आपको साथ दे जाएंगे। सो आज के व्लॉग कहीं पेंट करते हैं, अभी मैं हाथों की तैयार हूँ, इशा की नमाज भी मेरी रहती है 12 बजे, अभी इशा की नमाज भी पढ़नी है। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर जो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल नए व्लॉग के साथ, तब तक भी भाई दीजिए इजाजत, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शादो आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।